तो भाई गाड़ी में हो गया था पंचर, वो भी दो आगे के टायर में। पहला पंचर इसका लगा था पैंगोंग में, दूसरा लगा जैसलमेर में। तो अभी हम आ चुके हैं जैसलमेर फोर्ट के अंदर। अरे हम काहे नहीं पहचानेंगे हसमुख भैया, एक बार हाय कर दो ना यार। हाय। ये हसमुख भैया लास्ट ईयर जब मैं जैसलमेर आया था तो इन्होंने हमें पूरा गाइड किया था जैसलमेर को एक्सप्लोर करने में, और अभी मैं बाहर ही खड़ा होता तो भैया मुझे मिल गए। सच में बहुत अच्छा लगा यार, दिल से बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा भैया से मिल के। हाँ जी सर, गाइड है भैया लोग भी। अच्छा, ये दो भैया और हैं, ये भी गाइड हैं यहाँ पे। आपका नाम क्या है? अब्दुल खान। अब्दुल खान सर, आपका नाम? गजेंद्र सिंह। ओके, तो आप जब भी फोर्ट आएंगे तो आपको गाइड आप फोर्ट के ऊपर यहीं से लें। हाँ, जब भी अच्छा और जो घुमाने वाला जगह अच्छा गाइड यहीं से आपको। ओके, फोर्ट के अंदर से ठीक है, कम से कम रेट में आपको अच्छा घुमा देंगे। प्राइस वगैरह क्या है आप लोगों का गाइड करने का टूरिस्ट को? सीधे में 500 रुपये लेते हैं किलो हवेली का। 500 रुपये हवेली लेते समथिंग ले लेते हैं। ये एकदम शांत शहर है, कोई ऐसा माहौल नहीं है, शांत माहौल, पीसफुल सिटी। हाँ, लोग भी बहुत अच्छे हैं, खाने पीने की चीज़ें भी बहुत प्यारी है, मिलनसार लोग हैं। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मतलब ऐसे आपके ना घर परिवार जैसे आपको आपकी हेल्पफुल काम करेंगे। आइए, आपको ऐसा महसूस ही नहीं होने देंगे कि आप अपने शहर से बाहर हैं। यहाँ का जो है ना कल्चर जो है रहने का ढंग बचपन से मतलब ऐसा ही है, मिलनसार दोस्ताना, इसके लिए फेमस है जैसलमेर। जी ठीक है, तो गाइज ये हमारे गाइड हैं आज के, हरी भैया, जो कि हमें गाइड करेंगे, पूरे फोर्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। जी सर, पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जैसलमेर के किले के बारे में, पूरी जानकारी के साथ में बताया जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जैसलमेर का किला सन 1156 में महारावल जैसल, राजा का नाम था जैसल और मेरू पर्वत का नाम था, शहर अच्छा। का नाम पड़ गया जैसलमेर। अच्छा। इस किले के आने और जाने का रास्ता एक ही है। फर्स्ट गेट का नाम है अखे प्रो, टर्न बाई सेकंड गेट आएगा सूरज प्रो, और थर्ड गेट आएगा गणेश प्रो, और फोर्थ गेट आएगा हवा प्रो। इस किले का चार गेट है। फर्स्ट अच्छा। गेट से अपन जैसे ही इंटर होते हैं तो सेकंड गेट नहीं दिखाई देता है, टर्न बाई सेकंड गेट मिलता है तो उसमें थर्ड गेट नहीं दिखाई देता, और थर्ड गेट में जैसे घुसते हैं तो अपने को चौथा गेट नहीं दिखाई। इस तरह घुमावदार गेट बना है। पुराने समय में गेट को तोड़ने के लिए हाथी का प्रयोग किया जाता था गेट को तोड़ने के लिए। हाथी का प्रयोग किया जाता था, तो एलिफेंट शरीर में भारी होने के कारण जैसे टन में घुमाव लेता था तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती थी। अच्छा। और स्पीड स्लो होने के कारण वो गेट नहीं तोड़ पाता। अच्छा। और ये जैसलमेर का किला है, इसके अंदर में कहीं पर भी चूना और सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया। इसके अंदर इंटरलॉकिंग सिस्टम, तांबा पीतल और लोहे की कड़ी से पूरा मेल जड़ा हुआ है। 850 साल पुराना किला है, और 350 साल का लॉन्ग टाइम लगा पूरा फोर्ट तैयार। इस जैसलमेर के किले के अंदर आज की तारीख में 5000 लोग रहते हैं। आज की तारीख में 5000 लोग रहते हैं। अच्छा, 5000 लोग इस किले के अंदर रहते हैं। नाइस। और दूसरी बात, इस किले की ये खासियत है, इसके अंदर में होटल, रेस्टोरेंट, दुकान, मकान सब बने हुए हैं। और दूसरा, इस किले के अंदर जो टूरिस्ट आते हैं, हमारे हर साल यहाँ पर 8 से 10 लाख लोग आते हैं किला देखने के लिए। 8 से 10 लाख लोग हर साल एज अ टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ पर लक्ष्मीनाथ जी का टेंपल बना हुआ है अंदर। हाँ। और जैन टेंपल है, जैन टेंपल के अंदर 6666 मूर्ति है। हाँ। उसकी सुबह शाम अभिषेक होता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर दो कास्ट रहती है, एक तो ब्राह्मण और एक राजपूत। अच्छा। दो कास्ट रहती है किले के अंदर में। आज के समय में दो कास्ट हैं, उसके अंदर में ब्राह्मण 70% और 30% राजपूत रहते हैं। और जैसलमेर के राजा है, वो किले से नीचे हवेली बनी हुई है हनुमान सर्किल पर, वहाँ पर जैसलमेर के महाराजा आज भी राजाशाही की तरह रहते हैं। अच्छा। आज भी उनके पास में सोने चांदी के बर्तन, सोने चांदी के उनके बेड है, सोफे हैं, पलंग हैं, और कुर्सियाँ हैं। हाँ। ये सब सोने और चांदी के आइटम हैं। और आज भी उनके पास में 15-20 घोड़े और गाय रखी हुई है, और 200-300 नौकर चाकर रखे हैं। अच्छा। आज के ज़माने आज भी वो राजाशाही, तो ये सारी चीज़ें आज भी है। हाँ, ये चीज़ें आज भी वो राजाशाही की तरह ही रहते हैं।
और टूरिज्म एक होटल है वहाँ पर है, जो बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए वो वहाँ पर रुकते हैं, रूम लिए हुए हैं, खाना पीना चाय नाश्ता वगैरह सब होता है। और डांसिंग प्रोग्राम हमारे यहाँ से 45 किलोमीटर दूर सम विलेज है, वहाँ रेगिस्तान के दौरों के ऊपर कैमल सफारी, जीप सफारी और डांस प्रोग्राम इत्यादि यहाँ पर किए जाते हैं। थैंक यू। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि राजा महाराजा के टाइम पे यूज़ किया जाता था और आज इनको सेल करने के लिए यहाँ पर रखा गया है। आप चाहें तो इन चीज़ों को ख़रीद भी सकते हैं। आप देख रहे हो ये बिच्छू है, ये बिच्छू बनाया, बिच्छू का लॉक है। और ये गणेश भगवान, ये सूर्य भगवान। सब देख रहे हो कितने यूनिक चीज़ें। सब ये मेटल अगर बताओ तो तांबा है, पीतल है, इसके अंदर में तांबा और पीतल दोनों मिक्स धातु है। हाँ। ये देखो, ये आपके ऊँट का बनाया हुआ है लॉक, ऊँट का। ये है जो जैसलमेर के किले का चौथा गेट है। इसकी गर्लफ्रेंड ही नहीं है, सिंगल है। सही बोले भैया। अबे आशीष यार, तो गजब बेइज्जती है आशीष। हो भाई, ये सुराही पेटली है, इसमें चाय और कॉफी रखते थे राजा महाराजा के जमाने में। इसमें है जो राजा महाराजा लोग पैक सिस्टम था, जब उनके पार्टी वगैरह होते थे तो उनके शुद्ध शाकाहारी खाने वालों के लिए शाकाहारी भोजन होता था, मांसाहारी खाने वालों के मांसाहारी होता था। ठीक है, ये ऊपर वाले लोटा जिसको हम पानी के अंदर, पुराने समय में तांबा और कांसा का बनता था। अच्छा। तांबा और कांसा का ये बर्तन है, ये इस लोटे के अंदर आज भी है जो पानी है जो बीपी शुगर और हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, इसके अंदर मक्खन निकालते थे। इसमें मक्खन? हाँ, ये सांस बिलोते थे, दही बिलोते थे और मक्खन निकालते थे। और ये घरटी आटा पीसने की, ये पुराने जमाने में आटा पीसता था इसमें। ये पानी वाला लगा? हाँ, ये पानी का है। ये कटोरदान के अंदर चपाती रखते थे, इसमें ये छानने के लिए छलनी होता था। कढ़ाई में पूरी सब्जी हलवा बनाते थे और देगची के अंदर सब्जी वगैरह, उसमें टी कॉफी रखते थे। अलग अलग चम्मच है, अलग अलग जमाने की, उसमें दाल सब्जी वगैरह बनाते थे। ठीक है, टोटल किचन के आइटम। ये बादला बोलते हैं इसको, बादला। ये है जो क्या गर्मी के मौसम में हमारे यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, आपको पता है। हाँ। जैसलमेर बहुत गर्म इलाका, बहुत गर्म है, सही बात है। इसको पानी से भिगो के रखते हैं और पानी से भिगो के रखने से क्या होता है, जैसे हवा लगती रहती है तो वो ठंडा होता रहता है। ठीक है, ठंडा रहता है। तो यहाँ पर है जो लोग जो कैमल सफारी करते हैं, घोड़ों के ऊपर घोड़सवारी करते हैं, रेतों में तो वो आराम से अपना पानी पीते रहते हैं। रास्ते में उनको प्यास लगती है तो आराम से पानी ठंडा पीते हैं। इस साइड में आइए, आप लोगों को बताते हैं कि हमारे यहाँ पर गुड़ है, शक्कर है, चाय पत्ती है और जो भी सूखा मेवा है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह इस बर्तनों के अंदर रखते हैं। ये तांबे और पीतल के बर्तन बने। आप देखिए इस साइड में, ये है जो तांबे और पीतल के बर्तन है और नीचे भी तांबे पीतल के बर्तन और ये लोहे के बर्तन। और ये अभी के वर्तमान के जैसलमेर के राजा हैं, जिनका अभी नाम है। हाँ, अभी वर्तमान राजा, अभी भी राजा है। अभी जैसलमेर के ये राजा हैं, सिंहासन पे इनको बिठाया गया है। इनको 15 जनवरी 2021 के अंदर इनको सिंहासन पे बिठाया था, जब इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। हाँ। इनका पिताजी का स्वर्गवास हुआ था 28 दिसंबर 2020 में। अच्छा। ठीक है, उसके बाद में सिंहासन को खाली नहीं रखते हैं तो उनके सबसे बड़े पुत्र को राजा का राज तिलक करके और उसकी गद्दी पे बिठाया जाता है। अच्छा। और राजा बनाया जाता है। आज सार संभाल वो पूरा राजा जैसलमेर के, पूरा सार संभाल वो राजा ही करता है। और अभी वर्तमान राजा का नाम है चैतन्य राज सिंह और पूर्व महाराजा का नाम है ब्रजराज सिंह जी। ठीक है, अब यहाँ से आप ऊपर से पूरा सिटी का व्यू लो, पूरी जैसलमेर गोल्डन सिटी। सो गाइस, जैसलमेर फोर्ट के ऊपर से खूबसूरत सी स्वर्ण नगरी का कुछ ऐसा नज़ारा आता है।
तो भाई जैसलमेर से निकल चुके हैं हम सम के लिए, और जैसलमेर से जो सम की डिस्टेंस है वो है तकरीबन 40 किलोमीटर। सो ऑल राइट गाइज, सैम ड्यून्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राम राम सा सभी को। और अभी हम जाने कैमल राइड के लिए, सनसेट होने वाला है। बहुत ही जल्दी में है, स्कूटी बहुत तेज़ चला के आया मैं। जैसलमेर से सैम ड्यून्स तक की डिस्टेंस 40 किलोमीटर की मैंने तकरीबन 35 से 45 मिनट में कवर अप किया। नॉन स्टॉप में भगाते हुए आया ताकि कुछ भी मिस ना होना चाहिए, कुछ भी ऐसा ना हो जो पेंडिंग रह जाए। और कुलधारा का हमने प्लान आज का किया था, लेकिन कुलधारा का प्लान अब हम कल को ट्रांसफ़र कर दिए भैया। अब कल कुलधारा चलेंगे, क्योंकि जहाँ जाएंगे अच्छे से घूमेंगे, नहीं तो नहीं घूमेंगे। ये है, गिल्ट लेके नहीं आना कि मतलब गए ये नहीं किया वो किया ऐसा वैसा नहीं, ठीक है। तो चलो फिर सीधा मिलते हैं गाइस कैमल। बाकी कैम का क्या डिटेल है, क्या प्राइस है, सब कुछ एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा। ओके यार, बहुत मज़ा आ रहा है। लास्ट ईयर भी जैसलमेर आया था, कैमल सफारी किया था, आशीष साथ में पीछे बैठा था। इस साल भी आया हूँ, कैमल सफारी कर रहा हूँ और आशीष साथ में पीछे बैठा हुआ है। ऑल राइट गाइज, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा, अमेजिंग, मेमोरेबल, ट्रेडिशनल, कल्चरल। ये जो हमारा टर्बन है, अभी हमने इसको राजस्थानी जैसलमेरी स्टाइल में इसको पहना हुआ है। जो यहाँ पे सिंगर्स थे उन्होंने मुझे और आशीष दोनों को पहनाया है कि आप इसको जैसलमेरी स्टाइल में पहनो। तो भाई, तो ये हमारा जैसलमेरी स्टाइल है। तो मुझे तो यार सच बताऊँ ना, मेरे देश घूमने का जो सपना है उसे मैं बहुत जल्दी पूरा करूँगा। और दूसरी चीज़ वो ये है कि जब भी आप किसी नए राज्य में जाते हैं तो वहाँ के ट्रेडिशन, वहाँ के कल्चर को फॉलो करो, उसके रंग रूप में ढलिए, ठीक है। सो अभी रात भी हो गई है, 11:30-12 बज रहा है, नींद भी आ रही, थक चुके हैं, डांस वांस किया है, खाना भी एकदम दबा के, दाल बाटी चूरमा। चूरमा इतना प्यारा लगता है ना कि चूरमा के इश्क में एकदम चूर चूर हो जाता हूँ जब राजस्थान आता हूँ। सो ठीक है, बाकी जो कॉटेज का क्या है, मैंने अभी आपको कुछ नहीं दिखाया, रात है, बाहर क्या है कुछ भी उतना अच्छे से नहीं दिखाया, कल सुबह सारी चीज़ें डिटेल दूंगा। तो ठीक है गाइस, आप लोगों से मैं मिलता हूँ मॉर्निंग में। गुड नाइट। सो गुड मॉर्निंग गाइस, और ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, नहाए वहाए आज नहीं, और धूप तो सीधा मुंह पे पड़ रही है यार। एक्चुअली अभी कहाँ जा रहे हैं, एक्चुअली हम थोड़ा रेत पे जा रहे हैं कुछ रील्स और फोटोज़ क्लिक कराने के लिए। कल शाम में हम आगे आए थे बट लेट हो गया था, तो हमने कैमल सफारी किया और उसके बाद हम सीधा कालबेलिया डांस और यहाँ का जो भी कल्चरल प्रोग्राम था उसमें उसको अटेंड करने में इंगेज हो गए। और अभी जाते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा के आते हैं, फिर आपको मैं अपना कॉटेज दिखाता हूँ। देन यहाँ से आज हम निकलेंगे फिर कुलधारा विलेज के लिए। ये तो फिलहाल हमारा नेक्स्ट व्लॉग का पार्ट होगा। तो यार, आप लोगों के सामने डेजर्ट दिख रही होगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि स्कूटी को लेकर के जाता हूँ थोड़ा सा, और हल्का से अंदर लेके जाऊँगा, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराऊँगा, ठीक है। सो गाइज, ये है हमारा रिजॉर्ट जहाँ पर हमने स्टे किया था। ये सामने सारे कॉटेजेस हैं और सेम ऐसा ही कॉटेज हमारा था 101। तो चलते हैं गाइस कॉटेज के अंदर। यहाँ पर आप देख रहे हो सारी पैकिंग वगैरह हो रखी है, हमारा सामान पड़ा हुआ है, और ये है अपना एक छोटू सा प्यारा सा कॉटेज। इसमें फ़ैन वगैरह सारी चीज़ है, एसी नॉन एसी ऑप्शन में होता है। आपको नॉन एसी का यहाँ पर ही ज़रूरत है, एसी लेने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ठंडा हो जाता है मौसम रात में। और ये है वॉशरूम, वॉशरूम भी काफ़ी स्पेशियस बनाया हुआ है,
तो और बताऊं गाइस, अगर इस कॉटेज की कॉस्ट बताऊं तो टोटल हमने 2500 रुपये पे किया था, जिसके अंदर हमको यहाँ पर स्टे, फूडिंग, ब्रेकफास्ट, कलबेलिया डांस, सारी चीज़ें हमको यहाँ पर पैकेज में इंक्लूडेड थी। और मतलब पर हेड बताऊं तो 1250 से 1250, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी डाउट का क्वेरी होता है, यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन। और कॉटेज की जो भी डिटेल होंगी, कैसे बुक करें, किन्हें कॉन्टैक्ट करें, के रिजॉर्ट जहाँ पर हमने स्टे किया इसका नाम है के रिजॉर्ट, सारा जो भी डिटेल होगा वो सब कुछ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, सबसे पहले नोटिफिकेशन को पाके वीडियो को देखने के लिए। तो ठीक है, इसी के साथ मैं यहाँ पर अपने डे को एंड करता हूँ और आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट डे। इट मीन्स आज नेक्स्ट डे में हम क्या करने वाले हैं वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। तो ठीक है, दिस इज ऋषि वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।